चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की, पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी कक्षा छठवीं की बुक्स है, इसके इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक आपके दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला था सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें बात देखना है हमें पृथ्वी की गतियाँ, क्या देखना है, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन मत लेकर पढ़िए, ठीक है, समझ में आता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन, दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। इसका मतलब हुआ पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे घूर्णन कहेंगे, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, सूर्य के चारों तरफ घूमेगी, तो उसे हम लोग परिक्रमण करेंगे, पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल गोली के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, और जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। समझ में आया कि जब सूर्य की रोशनी आधे हिस्से पर पड़ेगी तो वहाँ दिन होगा, और जिस हिस्से में नहीं पड़ेगी वहाँ रात होगी। ठीक है, तो जब अपने यहाँ रात होती है भारत में, तो इसका मतलब ये होता है कि सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिल रही है, हमारे जो दूसरी तरफ पृथ्वी का हिस्सा है उस पर दिन होगा आपका। ग्लोब पर वह वेद जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वेद कहते हैं। यह वेद अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 यानी कि 3.2 चित्र में देख रहे होंगे। यह आपकी दिन है, या इस तरफ आपका रात है, ये भारत अफ्रीका यूरोप की तरफ दिन है, और आपका अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की तरफ उत्तरी अमेरिका की तरफ रात है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ सूर्य की रोशनी इस तरफ पड़ रही, जब ये घूमेगा तो इस तरफ आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, तो वहाँ दिन होगा, और ये इस तरफ पहुँच जाएगा रात होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेते हैं। घूर्णन के समय का काल को प्रतिदिन पृथ्वी एक दिन कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक, यह पृथ्वी की दैनिक गति है, या कुछ दिया गया उसे भी देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान बनाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर में एक्स में अंधेरा हो। गेंद को बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखेंगे तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, यह सूर्यास्त है। समझ में आए कि जब सामने रोशनी आएगी तो वहां दिन होगा, और रोशनी नहीं आएगी तो रात होगी। जैसे जैसे रोशनी दूसरी तरफ सूर्य घूमता जाता है, सूर्य पृथ्वी आपकी घूर्णन गति करती रहती है, तो जैसे ही सूर्य की रोशनी पृथ्वी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है तो वहां दिन हो जाता है, और पहले जहां थी, जहां सूर्य की रोशनी थी, वहां रात हो जाती है। ठीक, अब आपका यह चित्र पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ये अब आपका विषुवत वृत्त है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। सूर्य की तरफ जो भाग है पृथ्वी का, उसमें हमेशा दिन बना रहेगा अगर घूर्णन नहीं करेगी पृथ्वी तो, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो हमेशा अंधेरा रहेगा।
पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवन के लिए ठंड भी जरूरी है, सूर्य भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो प्रकृति ने जिस तरह बनाया है उसी तरह चलता रहे तो अच्छा है। अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो इसका परिणाम और प्रभावित सब लोग होते हैं। ठीक, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की जो गति सूर्य को की चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं साधारण शब्दों में। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने चारों ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 दिन में, सही 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो अपना घूर्णन कितना है? 24 घंटे में करती है और परिक्रमण 365 दिन में। ठीक है, अब इसे देख लीजिए कुछ। ये आपका सूर्य है, ये रोशनी इस तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु हुआ। दक्षिणी आया नांद, ये आपका 22 दिसंबर को। फिर शरद ऋतु होगी इस तरफ और वसंत ऋतु, ये आपका होता है विषुवत 21 मार्च। और उत्तरी आयतांत अनांत, ये 21 जुलाई 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और शरद ऋतु आपकी 23 सितंबर विषुवत वसंत ऋतु, और इस तरफ शरद ऋतु। ठीक है, जैसे भी सूर्य की रोज जिस तरफ किरणें जाएंगी उस तरफ उसी तरह दिशा निर्धारित होती रहती है वहां की दशा भी। ठीक है, क्योंकि अगर रोशनी गई तो वहां गर्मी पड़ेगी स्वाभाविक है, और अगर रोशनी जाना बंद कर दी तो नॉर्मल सी बात है कि ठंड पड़ेगी वहां, वहां मौसम बदलेगा। चार चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। आपने देखा होगा 4 साल में एक बार ऐसा महीने आता है फरवरी का कि वो 29 दिन का होता है। कितने? 29 दिन का। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, इसमें एक और, अगर 4 का भाग जिस तिथि रेखा में चला गया, जैसे 2000 अभी 20 है, ठीक है, तो अब कब होगा आपका? 4 का अगर 2020 में पूरा भाग चला जाता है तो इसे लीप वर्ष कहते हैं, अगर नहीं गया तो आपका नॉर्मल वर्ष है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्म, सर्द, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पेन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले के कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को आगे के साथ घुमाएं घुमाया जाए। अब तो कागज आकृति कागज पर बनेगी, वह दीर्घवृत्त होगा आपका। ठीक है, यह है आपका। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तब उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के पहले के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के
उत्तरी भारत में गर्मी का मौसम होता है 21 जून को। इन दिनों में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, जबकि सबसे छोटी रातें होती हैं दूसरी तरफ। पृथ्वी यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, पृथ्वी यही आपकी सबसे छोटी रातें होती हैं, ठीक है। जिस तरफ सूर्य, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर कुछ दक्षिण ध्रुव के सूर्य दक्षिण ध्रुव कि सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है कि वहां रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे आप विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। यह कुछ दिया गया है। इसे एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाए, छड़ी से लगा हुआ एक झंडा लगाए, झंडा लें, दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से सूर्य स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को स्थिर बिंदु की तरफ रखें, रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले। इस प्रकार पृथ्वी की अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट, याद रखिए कि आपका सूर्य तो स्थिर है, लेकिन आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति है, जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ये आपके अभ्यास क्वेश्चन है, इन्हें देखते रहिए, ठीक है। ये भी है, और ऐसा करिए पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिए, देखते रहिएगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपका था तीसरा चैप्टर, ठीक है।